व्यवहार में पराधीन होने से निश्चय नए उसका निषेध करता, उसके अस्थि पूरा निषेध नहीं करता पर उसकी श्रद्धा का निषेध करता है। अब आगे और स्पष्ट करते हैं, यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि यह हेतु आदिरूप अनुभव प्रधान ग्रंथ है, इसलिए इसमें अनुभव की अपेक्षा से भव्य अभव्य का निर्णय है। अब यदि इसे अहेतुवाद आगम के साथ मिलाएं तो अभव्य को व्यवहार नय के पक्ष का सूक्ष्म केवली आशय रह जाता है, जो कि सदमत्व को अनुभव गोचर भी नहीं होता, मात्र सर्वज्ञ देव जानते हैं। इस प्रकार केवल व्यवहार का पक्ष रहने से उसे सर्वथा एकांत रूप मिथ्यात्व रहता है। इस व्यवहार में के पक्ष का आशय अभव्य के सर्वथा कभी भी मिटता ही नहीं है, ये और स्पष्ट की है बात। ये हेतुवादी अनुभव प्रधान ग्रंथ है, इसलिए इसमें अनुभव की अपेक्षा से भव्य अभव्य का वर्णन है, जिसे आत्मा की अनुभूति नहीं होती लेकिन वो अभव्य है, क्योंकि वह एकमात्र आत्मा के विपरीत भावों का ही अनुभव करता है, उन्हीं को ही आत्मा मानता है। हेतु से निर्णय किया ना, आध्यात्मिक ग्रंथ है नहीं, इसलिए हेतु से निर्णय किया। क्या निर्णय किया? ये व्यवहार भाव है, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव है, और जो अभव्य है वो एकांत उन्हीं का विश्वास करता है, इसलिए उसे अनुभव का भाव है, शुद्धात्मा के अनुभव का। और करणानुयोग की अपेक्षा, आगम की अपेक्षा देखें तो उसके सारा का सारा व्यवहार साबित होने पर ही, पूरा का पूरा होने पर ही भगवान केवली का उपदेश है कि उस अभव्य को व्यवहार नय का ऐसा सूक्ष्म पक्ष रह जाता है कि उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होते, और वह एकांत होता है। व्यवहार भाष हुआ ना, अब यदि इसे अहेतुवाद आगम के साथ मिलाएं, तो आगम में जो करणानुयोग है उसमें हेतुवाद नहीं चलता, उसमें तो केवली ने जैसा देखा है भगवान ने जैसा कहा जाता है, कोई कहे ऐसा क्यों नहीं, तो उसमें हेतु की बात बहुत कम चलती है। अभव्य को व्यवहार में के पक्ष का सूक्ष्म केवली गम्य आशय रह जाता है, केवली गम्य आशय रह जाता है। इसलिए क्या बताया कि जो अभव्य है उसको व्यवहार इतना पूर्ण होता है कि कोई यह नहीं कह सकता कि उनसे दृष्टि होगा, क्योंकि जो अभव्य निराज हैं तो उनको सारा का सारा व्यवहार चारित्र पूर्ण होता है, बल्कि उनका जो उपदेश होता है वो भी भगवान केवली के कर्मागम के अनुसार ही होता है। तत्वों के प्रतिपादन में उनको भूल नहीं रहती, फर्क नहीं रहता, ये तो मोटी भूल है, जहाँ जो आश्रव भाव है
पुण्य भाव जो संवर लगे और संवर का कारण लगे, तो संवर का कारण कहा जाए और स्थूल पक्ष उसका किया जाए, ये तो मोटी भूल है। वहां तो व्यवहार भी नहीं है, द्रव्यलिंग भी वहां तो नहीं होता, लेकिन इसको तो भगवान की प्रचंड श्रद्धा, देवगुरु धर्म की और सात तत्व का सही ज्ञान, प्रतिपादन भी करे तो सही करे, लेकिन भीतर उस व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष है, जिसके कारण उस व्यवहार की दीवार को तोड़कर ज्ञान शुद्धात्मा में प्रविष्ट नहीं हो पाता। व्यवहार तो दीवार की तरह है ना, कि जो निश्चय में प्रवेश करने से उस अज्ञानी को रोक देती, वो वहीं मुक्त हो जाता है केवल व्यवहार में ही, इसलिए आगे नहीं पहुंच पाता है। तो केवल व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष रह जाता है, जो कि सदमत्व को अनुभव गोचर भी नहीं होता, सदमत्व को उसका पता भी नहीं चलता, इसको स्वयं को भी नहीं चलता है। स्वयं भी ये मानता है कि मैं पक्का श्रद्धा नहीं हूँ भगवान का, कषाई इतनी मंद हो जाती है कि अकषाई जैसी लगती है। वही नहीं तो कहाँ से पता लगे, अनुभव नहीं हुआ, अनुभव मानता है वो, लेकिन उसको वास्तविक अनुभव तो नहीं होता है ना, तो मानता है ऐसा। आगम क्या कहेगा, आगम निर्विकल्प की बात कहता है, वहाँ क्या होता है, वो किंचित इधर उधर के विकल्पों का अभाव होने को निर्विकल्प मान लेता है। जैसे सामान्य लोग होते हैं तो वो पाप भाव का अभाव होने को और उस पुण्य भाव चलने को मान लेते हैं निर्विकल्प हो, क्योंकि आत्मा के संबंध में विचार आ गए और वो विचार बहुत सूक्ष्म में रह जाए तो मान लेते हैं हमको अनुभूति हो गई, सूक्ष्म हो जाए विचार, मैंने विचार भी तेजी से प्रवर्तित ना हो, सूक्ष्म जैसे शुद्धात्मा ऐसा थोड़े समय के लिए तो टिक जाए है ना, विचार में टिक जाए तो मान लेता है मेरे को अनुभूति हो गई। विलक्षणता नहीं आई तो उसको कहाँ इस बात का पता है, ऐसी विलक्षणता होती है तो ज्ञान बिल्कुल एकदम साफ हो, एकदम निष्पक्ष ज्ञान हो, तब अनुभव होता है, तब बढ़ता है वो आगे। ज्ञान में ही है ना कुछ रुकावट, ज्ञान में ही गंदगी है, इसलिए वो यहाँ रुका हुआ है, तो आगे क्यों बढ़ेगा वो। जिसने केवल इस तत्व विचार को अनुभव मान लिया तो आगे उस तत्व विचार का अंत करके निर्विकल्प दशा में क्यों जाएगा, इसीलिए तो नहीं जाता है ना, ये अटक है, ये अनुभव की अटक जिसको कहते हैं, ये भी वो तो मोटी अटक है, जो देह में अटका है, जो राग में अशुभ राग में पाप में अटका है अथवा स्थूल पुण्य क्रियाओं में जो अटका है वो तो मोटा है, लेकिन ये चिंतन की अटक है, ये सूक्ष्म अटक है। समाधि की कई अटक कही जाती है, 13 प्रकार की, ये भी एक भयंकर अटक है, कहीं भी अटको इसमें है क्या, लेकिन वहां तो नहीं पहुंच पाया ना, अटके कहीं भी तो क्या, देहली परी रह गया, जिसको रह गया
कोई कहे कि मैं सड़क पर खड़ा था, जिसकी एक ही बात है, जो देहली पर रह गया वो भी अटक गया है पूरा। इस तरह ये विचार में अटका है, विचार करता है, ये भगवान के कहे अनुसार आत्मा का विचार करता है। ऐसा नहीं है कि ये पुण्य पुण्य में रहता हो, क्योंकि उपदेश में बोलता है कि पुण्य भाव एक है, अभी नहीं छूटेगा लेकिन अंत में छूटेगा, छोड़ना पड़ेगा और तभी वितराग होगा। ऐसा उपदेश में, उपदेश गलत नहीं होता अभव्य मुनि का, मोक्ष नहीं जाएगा कभी, उपदेश गलत नहीं होता है। इसीलिए कहा है ना, केवली गमी तो सूक्ष्म पक्ष रह जाता, इतना सूक्ष्म, और वो कहाँ रहता है, वो वहीं रहता है, वो आत्मा के विकल्प के संबंध में अटक रहता है, वो उस विकल्प में, सूक्ष्म विकल्प में अटकता है, तो मान लेता है कि मेरे को अनुभव है, और इससे ज्यादा साफ और सूक्ष्म ज्ञान होता है करण लब्धि वाले का, कि जो ये व्यवहार नहीं पालता, जिसको पाप भाव का भी अंत नहीं होता, उस समय पाप भाव नहीं होता। करण लब्धि की बात तो सम्यक दर्शन होने का नियम है ना, निर्विकल्प होने का, तो वो ये चारित्र नहीं पालता है, व्यवहार चारित्र, उसको तो पाप भाव भी रहता, उस समय नहीं रहता, लेकिन पाप भाव है ना, सम्यक दृष्टि को होता है, नहीं पाप भाव होता है, इसको तो पाप भाव नहीं है बिल्कुल, इसको अभव्य मुनि को पाप भाव बिल्कुल नहीं है, उच्च कोटि का पुण्य भाव है, और वो जो सम्यक दृष्टि है पाप भाव वाला, वो नवे ग्रह नहीं जाएगा, वो ये जाएगा नवे ग्रह, ये नवे ग्रह जाता है, लेकिन फिर भी उसका ज्ञान साफ है, क्योंकि वो अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन लेने वाला है, उसके ज्ञान में विकल्प और निर्विकल्प का भेद अच्छी तरह मालूम, अच्छी तरह मालूम विकल्प और निर्विकल्प का भेद। बीमार होता है ना, चतुर बीमार, उसको जहाँ कोई रोग होता है और उस रोग का कोई थोड़ा सा भी लक्षण प्रकट हो तो वो जान लेता है कि होने वाली है मेरी, अब बढ़ने वाली है। मैं बुखार आता हूँ ना, किसी को एकांत आता हो, तिजारी आती हो, इस तरह का आता हो, अब उसको थोड़ा सा भी, जहाँ उसको जमुहाई आई, जमुहाई वो जान लेता बुखार चढ़ेगा, अभी बुखार नहीं आया लेकिन जानता है, तो इतना सूक्ष्म होता है ज्ञान, इसका ज्ञान सूक्ष्म है करण लब्धि वाले का, ये जानता है कि पुण्य में और जो निर्विकल्प अनुभव है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, अंतर है, इसका जानता है। स्वाद नहीं आ रहा इसलिए विकल्प के स्वाद को ही जानता है, जो विकल्प के स्वाद को जानता है वो निर्विकल्प हो सकता है, और जो विकल्प की किसी पर्याय को निर्विकल्प मान ले तो निर्विकल्प नहीं होगा, उसको अनुभव नहीं होता। तो अभव्य को व्यवहार नये के पक्ष का सूक्ष्म केवली गम्य आशय रह जाता है, जो कि सदमत्व को अनुभव गोचर भी नहीं होता, मात्र सर्वज्ञ देव जानते, इसको तो पता चलता ही नहीं पूरा, लेकिन दूसरे देखने वालों को भी पता नहीं चलता, दूसरे जो देखने वाले हैं वे अभव्य को पूरा मुनि मानकर प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, वो ये नहीं पता लगा सकते भी अभव्य है, ये कभी मोक्ष नहीं जाएगा, इसको वर्तमान में भी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र विद्यमान है, नहीं पता लगेगा, क्योंकि आचरण सारा का सारा सच्चे मुनि जैसा है, बाहर का आचरण, भीतर से चित है, बाहर का आचरण
पूरा का पूरा होता है। और उनको नमस्कार नहीं भेजा, वो गृहस्थ को नमस्कार भेजा, वो एक बात आती है पता चलेगा। वो दूसरी बात, वो गुरुस्थी की अपेक्षा थी, पहले जिनसे उपदेश मिला था उनकी बात है? तो नहीं जानेगा, वो जानेंगे कर्म वर्णों के माध्यम से जानेगा, उनसे जानेंगे। दर्शन मोहन कर्म उसके पास है, वो जान लेंगे मुख्य दृष्टि है। अवधि ज्ञान भी जान लेगा, लेकिन ऐसे कुछ आप स्वभाव की थोड़ा बताओ कि परमाणु का जो विषय है वो स्वावधि आरम्भ है, देशावधि नहीं है भाई। तो मुनियों को होता है ना, इसलिए वो जान लेंगे। सामान्य गृह से क्या जानेंगे, मिथ्या दृष्टि मुनियों को स्वावधि ज्ञान नहीं होता, नहीं। और जितना भी अवधि ज्ञान है ना, तो अवधि में भी देशावधि होता है, परमावधि सर्वावधि वो निराज को। मात्र सर्वज्ञ देव जानते हैं, मन परिज्ञानी भी जान लेते हैं। इस प्रकार केवल व्यवहार का पक्ष रहने से उसके सर्वथा एकांत रूप मिथ्यात्व रहता है। व्यवहार का पक्ष रहने से जो व्यवहार है उसका होना ये कोई मिथ्यात्व तो नहीं है, लेकिन व्यवहार का पक्ष जिसको है, मैंने व्यवहार जिसको कल्याणकारी लगता है, व्यवहार जिसको मोक्ष का सच्चा मार्ग लगता है, उसका नाम है व्यवहार का पक्ष। जिसने व्यवहार का पक्ष किया उसने जो सच्चा पक्ष है उसका लोप किया। पक्ष होना चाहिए किसका, निश्चय का अर्थात शुद्ध आत्मा का। आत्मा का पक्ष हो तो उसके अवलंबन से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का जन्म होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो बाह्य साधन है, जिनके होने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, वे होते हैं ये बात तो स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इनसे सब कुछ होता है ये पक्ष रुकावट है। इनसे हो जाता है ये रुकावट, उनका होना इसका निषेध नहीं, मैंने उनके लिए बिना तो कुछ होने वाला ही नहीं है, उनके लिए बिना नहीं होगा। जैसे जिनवाणी है ना, जिनवाणी को अगर सुने ही नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जिसने ये माना कि मैं यहाँ आता हूँ और मैं ये सुनता हूँ इसलिए मेरे को तत्व ज्ञान है और आत्मज्ञान है, ये पक्ष है, इसको पक्ष कहते हैं। ये सुनना बैठना यहाँ तक कि केवल उस पर विचार कर लेना ये भी वास्तविक कारण नहीं है, क्योंकि वो वहाँ तक अटक गया कि मैं विचार करता हूँ ना इसलिए मेरे को आत्मज्ञान होगा, तो अटक गया है। विचार करता है इसलिए आत्मज्ञान होगा सो नहीं, हाँ विचार किए बिना आत्मज्ञान नहीं होगा ये बात तो पक्की है, लेकिन विचार करता है इसलिए आत्मज्ञान हो जाएगा वो झूठ है, वो नहीं होगा। वो ये माने कि इस विचार से नहीं आत्मज्ञान होने वाला है, लेकिन विचार को अतीत करके और ठीक वहां पहुंचने पर आत्मज्ञान, सीधा आत्मा का स्पर्श करने पर आत्मज्ञान होगा, और उसके लिए मुझे इस विचार की कक्षा का उल्लंघन करना पड़ेगा। इतना जाने वो तो विचार होते हुए भी उसे विचार का पक्ष नहीं है, और जो ये मान लेता है कि क्योंकि मैं विचार करता हूँ रोजाना नित्य ही इसलिए मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा, वो विचार के पक्ष में रुक गया है इसलिए उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ। इतनी सीधी सादी बातें हैं जो विद्यार्थी जानता है। तो मैं रोज कॉलेज अटेंड करता हूँ, कौन मुझे रोक सकता है पास होने से, क्योंकि तो रुका ही हुआ है।
तुझे रोकने वाला कोई नहीं है, तू स्वयं ही तेरे को रोकने वाला है। ये रोज कॉलेज जाना ये कोई सफलता की निशानी, उसके आगे बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए कॉलेज जाने से सफल नहीं होते। तो कहता है तो फिर घर बैठ जाता हूँ, तो फिर कुछ होगा ही नहीं। होगा तो वहाँ जाने से ही होगा, लेकिन जाने से नहीं होने वाला। जो ये कहता है मैं जाता हूँ मेरे को कौन रोक सकता है, तो वो जाने में अर्थात जो उसका एक साधन है भाई, ये साधन जो होता है सफलता के साथ जो हुआ करता है, जो जो सफल होते हैं वे कॉलेज जाकर ही होते हैं। लेकिन कॉलेज जाने वाले सभी सफल नहीं होते। कौन नहीं होते? जो ये मान लेते हैं कि हम कॉलेज आते हैं, वे सफल नहीं होते। इसी तरह यहाँ बहुत सारी क्रियाएं कि जो सुंदर दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए होती हैं, साथ होती हैं, तो जो केवल उन क्रियाओं में अटक जाता है, मैंने ये मान लेता है कि क्योंकि मैं ये क्रियाएं करता हूँ इसलिए मेरे सम्यक दर्शन को कोई रोकने वाला नहीं है, उसको कभी भी नहीं होगा। जैसा लोकाचार है ना, ऐसा क्या है, इसको जिसने आत्मा का आचरण माना वो आत्मा से बाहर रह जाने वाला है, भीतर पहुँचने वाला कभी नहीं है। ये एकांत पक्ष है। एकांत अनेकांत भी आता है ना, समझ में, उसका होना इसका नाम एकांत नहीं। लेकिन उसी को साधन मान लेना, ये मान लेना कि क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ इसलिए मैं निश्चित मुक्ति के निकट जाऊँगा, ऐसा जिसने माना वो इसमें अटक गया है, इसको कहते हैं एकांत। और ये होते हुए भी जो ये मानता है कि ये मूल साधन नहीं, मूल साधन तो मेरा वो ज्ञान है कि जिसने आत्मा का दर्शन किया है अथवा आत्मा को देखेगा, ये आत्मा का दर्शन करेगा, वो ज्ञान मूल साधन है। तो जिसकी दृष्टि वहाँ है तो उसके लिए इसमें अटक नहीं होगी। तब अनेकांत हो गया, दो पक्ष हो गए ना, एक तो शुद्धात्मा का पक्ष और एक ये रहने वाला पक्ष, ये दो पक्ष हो गए। इसमें नहीं अटका है, उसी पर जिसकी मूल साधन पर जिसकी दृष्टि है उसको अनेकांत है सच में। तो इसको अभव्य को अभव्य मैंने, अभव्य जैसे सब, चाहे कभी मोक्ष न जाने वाला जीव हो अथवा कभी मोक्ष जाने वाला जीव हो, तो दोनों ही बराबर हैं, दोनों में फर्क नहीं है। तो दोनों एक ही प्रकार का काम करते हों और दोनों को एक जैसा ही ज्ञान हो वर्तमान में, इससे हो जाएगा तो भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के मुनि वर्तमान में बराबर है, फर्क नहीं है उसमें। ऐसा अवश्य नहीं है कि ये अभव्य को ही होता है और भव्य को नहीं होता। भव्य को ये होता है कि वर्तमान में इतना अज्ञान रहने पर भी आगे उसका अज्ञान समाप्त हो जाता है, ना उसको ऐसा उपदेश मिल जाता है और उसका अज्ञान समाप्त हो जाता है। जो अभव्य है उसको चाहे कितना ही उपदेश दिया जाए लेकिन उसकी बुद्धि खुलती ही नहीं, बंद है, बंद, वो खुलती नहीं कभी। समोषण में ना जाए तो योग तो बहुत मिलता है, ज्ञानियों का योग तो मिलता है, लेकिन ये करता ही नहीं है, ये चाहता ही नहीं है, होगा ही नहीं। मूंग होता है ना, वो एक मूंग हजारों में एक होता हो, ये सीझे ही नहीं, चाहे सारी दुनिया की लकड़ियां जला डालो सारी दुनिया की, तो वो एक मूंग सीझे नहीं, एक मूंग है ना। और अग्नि पे सबको बराबर लगाते हैं ना अपन, तो फिर वो क्यों नहीं सीझता है, बाकी कैसे सीझ जाते हैं? ये आग सिझती है क्या? आग ने सिझवाया तो उस एक को रहने दिया, वो सीझेगा ही नहीं चाहे कितनी लकड़ियां। मूंग जैसी चीज सामान्य बात है ना, ऐसा कैसा होता है ये अभव्य, कितना ही उपदेश इसको दो लेकिन इसको क्या पड़ा रहता है कि हमारे तो ये इस चारित्र के बिना मोक्ष होता नहीं है। तुम्हारा हो जाता होगा आत्मा की बातें करने से,
तो हमारा मोक्ष तो इससे होता है, इसके बिना नहीं होगा। ये रहता है उसके भीतर, जानता भी है, शुद्धात्मा की बात करता है, लेकिन भीतर क्या रहता है? जैसे केवली गम में आशय रहा नहीं, तो जानते तो भगवान केवली है, अपन तो कल्पना से बात करते हैं कि जब जब वो शुद्धात्मा की बात आवे ना, तभी तभी इसको भीतर से ऐसा लगता है कि मेरा ये चारित्र चला जाए तो, ऐसा इसके भीतर से लगता है। जैसे कहा जाए ना कि इससे नहीं कुछ होता है, इसको जैसे भीतर झटका लगता है। जैसे वो जो विद्यार्थी है ना, लचर विद्यार्थी, उसको कहा जाए कुछ नहीं होता किताबों से कहते, और ये रोजाना कॉलेज जाने से कुछ उसको झटका सा लगता है, तो उसको लगता है कि फेंक दूं क्या इनको। अरे फेंकना नहीं है, इनके होते हुए ही उसका स्पर्श करना है, ये मूल चीज है, उससे होता है। इसको ऐसा लगता है कि ये खत्म हो जाएगा तो ऐसा भीतर शल्य इसको पड़ा रहता है, और उपदेश देगा, सभा में दिए देगा, पुण्य धर्म नहीं है, हे है, ऐसा बोलेगा। अगर ये सभा में ऐसा बोले कि पुण्य धर्म है, पुण्य से ही सब होता है, तो ये तो इसको तो व्यवहार ही नहीं है, इसको तो मूल गुण गए, अच्छा इस मूल गुण भी नहीं, इतना कड़क है मामला। ये तो नमस्कार के लायक होता है, इस प्रकार व्यवहार में के पक्ष का आशय अभव्य के सर्वथा कभी भी मिटता ही नहीं है। ये पुण्य भाव होता है ना, जबरदस्त पुण्य भाव होता है, 28 मूल गुण का, 13 प्रकार के चारित्र का होता है, उसमें पाप भाव तो नहीं होता, लेकिन फिर भी पाप का आशय मिटता नहीं। पाप भाव होना और एक पाप का आशय होना, दो न्यारी न्यारी बात है। ये जो पुण्य भाव है, इसका फल स्वर्ग होता है, स्वर्ग में विषय मिलते हैं। तो जिसको इस पुण्य भाव की लिप्सा है, रुचि है, तो उसको उस भोग की लिप्सा है, वर्तमान में भोग नहीं है। वर्तमान में भोग की बात करे तो ये कहे कि हम मुनि, हम भोग भोगते हैं क्या, उसको झटका जैसा लगे वर्तमान में। समझ में नहीं आ रहा है क्या, कि वर्तमान में ऐसा लगे कि जैसे इसको कोई तलवार चलाई, इसको भोग की या विषय की अगर बात करे, लेकिन भीतर क्या है कि भीतर ये भोग की जो वासना है लिप्सा, वो इसी समय पड़ी है, तो भोग नहीं भोग रहा है, भोग का त्याग बिल्कुल सारा का सारा, लेकिन वासना पड़ी सब तक। क्यों क्यों पड़ी है? क्योंकि भोग का कारण है ना ये पुण्य भाव, इससे भोग मिलते हैं, इसके प्रति उसकी लिप्सा है, इसके प्रति उसका एकत्र है, इसलिए जहां वो भोग आए तो ये इस तरह से टूटता है जैसे 14 के उपवास वाला पूनम की थाली पर ऐसे टूटता है। वो वासना है, ऐसा आशय रहता है, इस आशय के कारण इसका मिथ्या दर्शन कभी भी मिटता नहीं। जो लोग रात को नहीं खाते, उनको रात को खाने के स्वप्न आते हैं नहीं, आते हैं नहीं, नहीं आते तो कैसे आते हैं बोलो, नहीं खाते तो फिर रात को खाने के स्वप्न आते क्यों हैं? ये सब सपने हैं, वो तो ऐसे ऐसे नहीं आते हैं, वो वासना पड़ी है भीतर, तब वो स्वप्न आता। जिसी चीज का त्याग किया है, जो व्रत लिया है ना, और उस व्रत का अगर भंग रात को स्वप्न में भी हो तो भंग है वो, हाँ बिल्कुल भंग है। क्यों? उसका जो परिणाम है ना, वो ठिकाने नहीं है, व्यवस्थित नहीं है वो परिणाम, उसको त्याग नहीं है वास्तव में, इसलिए स्वप्न आता। इस तरह से फिर चलेगा सारा ही अंधेरे में बांध चलेंगे, फिर तो त्याग कर दिया है, रात को सब हो रहा है सपने में, सब कुछ वो नहीं होगा। इसलिए ये सूक्ष्म वासना, अपना प्रकरण क्या है कि सूक्ष्म वासना किस तरह पड़ी रह जाती है, इस तरह पड़ी रहती है, इसी तरह इसको अभव्य मुनि को, मुनिराज को, कि जो पूरा का पूरा व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पालते हैं,
उनको यह वासना पुण्य की भीतर पड़ी रहती है कि जिसके कारण वो इसका उल्लंघन करके शुद्धात्मा का स्पर्श नहीं करते और उनको सच्चा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होता। ऊपर कहा था ना कि उनको सत्य श्रद्धान ज्ञान ही नहीं है, इसलिए चारित्र ही नहीं है। तो हमें सत्य श्रद्धान ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता।